भैया बहुत आ जाइए थोड़ा गाड़ जी। प्रणाम, हम लोगों से भी बात होगी दो मिनट? जरूर बात होगी। श्री राहुल गांधी जी झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है और देश श्री राहुल गांधी जी के कांग्रेस के झूठ को अच्छी तरीके से जानता है। देश का बच्चा बच्चा मानता भी है, जानता भी है कि काशी के यशस्वी सांसद और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और संसार के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में जिनको पूरी दुनिया मानती है उनके ऊपर जनता का विश्वास है। और सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार करना, घोटाले करना, बेईमानी करना यह कांग्रेस का इतिहास रहा है, इसलिए जनता उन्हें इतिहास के पन्नों में दर्ज करने का काम करने जा रही है। कांग्रेस की हर मांग को स्वीकार करना यह कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन देश के हित में जो भी आवश्यक होगा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करेगी। कमलनाथ जी का बयान वायरल हो रहा है, बंद कमरे में एक विशेष वर्ग को कह रहे हैं कि आप लोग चुनाव तक आरएसएस से दूर रहिए, चुनाव के बाद आरएसएस को हम देख लेंगे और आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाने की भी बात चल रही है मध्य प्रदेश के अंदर। देश की जनता इसका जवाब कमल का फूल खिला करके देगी और मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, राजस्थान में भाजपा की फिर से सरकार बनेगी, मिजोरम और तेलंगाना में भाजपा एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभरेगी और भाजपा सफलता के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रही है। श्री राहुल गांधी जी अपने झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन का उपयोग लगातार करते रहें, भारतीय जनता पार्टी कमल जोरदार ढंग से तो विश्व हिंदू परिषद तो सदैव से श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन करने का काम किया है और अगर हिंदू समाज का एकत्रीकरण, राम भक्तों का एकत्रीकरण विश्व हिंदू परिषद कर रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये अधिकार है कि वो कब सुने कब ना सुने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए प्रतिबद्ध थी, प्रतिबद्ध है, प्रतिबद्ध रहेगी। और क्या लग रहा है प्राइवेट बिल लाया जाएगा जिस तरीके की राकेश देखिए, वो उन्होंने तो अपना एक निजी प्राइवेट मेंबर बिल लाने की बात कही है और जो विरोध करने वाले रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का लगातार विरोध करने वाले हैं उन लोगों का असली चेहरा उजागर होगा। वो कहते हैं कि मंदिर भव्य बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब मैं कहता हूं कि तारीख तो राहुल गांधी जी बताएंगे और जो राम मंदिर निर्माण के विरोधी हैं उनको ही तारीख बताना है। भारतीय जनता पार्टी श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण की पक्षधर थी, है और रहेगी। और एक बात मैं ज़रूर बाबा विश्वनाथ जी के दरबार से कहना चाहता हूँ कि अब रामलला की जन्मभूमि पर बाबर के नाम पर एक भी ईंट नहीं रखी जाएगी, नहीं रखने दी जाएगी। धन्यवाद। राहुल गांधी को एक विश्वास बढ़ गया है राफेल डील पे, क्या राहुल गांधी का सीबीआई पे क्या विश्वास बढ़ गया क्योंकि उनका कहना अगर जांच। मैं राहुल गांधी जी के बारे में इतना कहूंगा कि पहले एक मशीन वो लेकर के आ रहे थे, एक तरफ से आलू डालिए दूसरी तरफ से सोना निकलेगा और फिर बीच में झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन ऐसी लाए कि एक तरफ से राफेल का झूठ डालेंगे दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री कुर्सी निकलेगी और वह कुर्सी की जगह उनके जीजा निकल रहे हैं। नेहरू जी पीएम को फिर से चाय वाला बोल रहे हैं कि नेहरू की वजह से ही चाय वाला पीएम बना। मेरे प्रधानमंत्री जी देश की 125 करोड़ जनता के हृदय सम्राट हैं। जो विरोधी नेता हैं, दल हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर जितना कीचड़ उछालेंगे उससे ज्यादा कमल खिलेगा।